भिलाई के वार्ड क्रमांक 42 में डायरिया मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दोपहर तक डायरिया मरीजों की संख्या बढ़कर 73 हो चुकी है। वहीं 10 से भी ज्यादा अस्पताल में मरीज भर्ती हैं। डायरिया की स्थिति को देखते हुए भाजपा के सभी पार्षद यहां पहुंचे तो महापौर नीरज पाल भी अधिकारियों के साथ मोहल्ले का जायजा लेने के लिए पहुंचे। निगम की टीम के साथ हमारी संवाददाता ने भी मौके का जायजा लिया। वार्ड 42 में पिछले 3 दिनों से डायरिया फैला हुआ है और यहाँ पर लगातार अब जो है अभी तक की स्थिति में टोटल 73 मरीज सामने आए हैं और यहाँ पर जो निगम की टीम पहुंची हुई है, महापौर नीरज पाल पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा पहुंचे, वार्ड के पार्षद विनोद सिंह भी है और भी कई पार्षद यहाँ पहुंचे। स्थिति आखिर देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे कि जो डायरिया के मरीजों के मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पे जो काम भी चल रहा है, जो पाइपलाइन गई यहाँ पर करीब से दिखा दूँ कि जो पाइपलाइन गई हुई है उसे भी अब यहाँ पे बदल करके यहाँ पे दूसरे तरीके से यहाँ पे काम किया जाए ताकि इसमें जो लीकेज जैसी स्थिति है वो ना आए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो इस वार्ड की जो मितानिन है सुलोचना जी। सुलोचना जी, सुलोचना कौर जी, और आप अभी तक कितने केस आ गए हैं और कितने आप लोग कब से देख रहे हैं चीज़ें? ये हम लोग 15 तारीख से देख रहे हैं मैम और 17 तारीख से रिफ़र कर रहे हैं और 17 आज तो 4 रिफ़र मैं अपनी अपने क्षेत्र से की हूँ और दूसरी मितानिन अभी 3 रिफ़र कर चुके हैं। महापौर नीरज पाल यहाँ पर स्थिति को देखने आए हैं, क्या कुछ यहाँ पर जो डायरिया फैला है कि क्या कारण है? भैया सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है, क्या कारण है यहाँ पे? देखिए, डायरिया का कारण हमेशा पानी गंदा किसी भी रूप से घर पे चला जाए उसके कारण डायरिया होता है। पानी का जो पीने का पानी है उसी की वजह से होता है डायरिया ज़्यादातर। बार बार गंदगी का शिकार हो रही है। हम 5 करोड़ की सफाई को 50 करोड़ में तब्दील कर दिए, 1000 से 1500 करोड़ रुपए हमने पानी की योजना कर दी, फिर भी हमारे देश की, हमारे नगर की जनता डायरिया और डेंगू से प्रकोप के में आ रही है। क्या कर रहे हैं यहाँ के नगर प्रशासन, जिला प्रशासन? यहाँ की दिक्कत आ रही है, यहाँ पर पानी का दिक्कत है, सफाई भी नहीं हो रहा है और प्लास्टर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर गोबर भी डाल रहा है। हम बता रहे हैं पाइपलाइन सुधारी जा रही है और सुधारने के बाद में कितना साफ पानी आता है और डायरिया का नियंत्रण जो है कब तक हो पाता है, लोग मरीजों की संख्या कब बिल्कुल जीरो होगी यह तो अभी पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मोबाइल यूनिट भी लगातार 3 दिनों से यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं और इलाज लगातार चल रहा है। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।